कहाँ मिलेगी पीस, कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगा सुकून चैन मरने के बाद? क्या इस टाइम इस वक्त कुछ करते करते डेली रूटीन में सुकून या शांति नहीं मिल सकती? सब कुछ कर रहे हैं, अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, दौड़ भाग सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ शांति भी कैसे प्राप्त हो सकती है? जरूरी नहीं है, ये चीज हम सब जानते हैं कि शांति के लिए, सत्य के लिए लोग घर त्याग देते हैं और जंगलों में चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते, तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। संसार से आप पीड़ित हो जाते हो, संसार आपको चुभने लगता है, आपको जिम्मेदारियां जकड़ लेती हैं, आपको अपने बीवी बच्चे माता पिता, आपको अपने आसपास की दुनिया बेकार लगने लगती है, आप उससे घबरा जाते हो, सहम जाते हो, विचलित रहते हो, परेशान रहते हो, फिर और कोई चारा कैसे बचेगा सिवाय अकेला रखने के अपने आप को? और वो अकेलापन आप जाते हो जंगलों में, पर्वतों पर, वहां पर शांति खोजते हो, लेकिन जिस परिवार को तुम घर पर छोड़ के आए थे, तुम अब प्यार करने लगे, तुम अब अटैच हो गए पेड़ पौधों से, जानवरों से, अब वो तुम्हारा परिवार बन गया, तुम कहां तक भागोगे? तुम्हें शांति सिर्फ अपने अंदर मिलेगी, शांति सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन में मिलेगी, स्वयं को जानने से मिलेगी शांति, पीस। खुद के अंदर झांको, देखो तुम क्यों बेचैन हो, शांति इससे मिलेगी, वरना संसार की से तुम अटैच हो, जंगल में चले जाओगे, जंगल से अटैच हो जाओगे, दिमाग आपका जो माइंड है वो कैसे खेल खेलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे आप इसके जाल में फंस रहे हो, जिस चीज को आप बहुत अच्छा बहुत बढ़िया मानते थे वहां पर भी आप अशांत रहोगे। हाँ, कुछ टाइम के लिए इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, एक हफ्ते दो हफ्ते का टाइम निकाल के, एक महीने का टाइम निकाल के आप जा सकते हैं अकेले में, लेकिन विचार आपका वहां भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, विचार तो वहां भी रहेंगे, और विचार यहाँ भी हैं, संसार में भी विचार हैं, आसपास लोगों के आसपास हम सब। तो जो जरूरी चीज है वो है विचारों से ऊपर जाना, विचारों से परे जाना, विचारों से परे देखना, ये जरूरी चीज है, क्योंकि विचार ही है डर, विचार ही है सफरिंग, पेन, चिंता, भय, सब कुछ विचार है। अगर हम विचार से जरा ऊपर आ गए, विचार से ऊपर उठ गए, तो हम शांति को, एक ऐसी शांति को प्राप्त हो जाएंगे जो अमृत है और जो कभी फिर खत्म नहीं हो सकती। तो हमें अपने अंदर को देखना है, अपने आपको जानना है, अपने अंदर की उथल पुथल जो हमारी हो रही है उसको देखना है ठीक से, ध्यान से, और बाहर जो चीजें चल रही हैं उसको भी साथ साथ देखते चलना है। हमें जागना है परमानेंटली। जैसे हम जग जाते हैं तो आपके पास चोर आ रहे हैं, आप सो रहे हैं, चोर आएगा आपका सारा सामान लेकर चला जाएगा, लेकिन अगर आपकी आंख खुली होगी तो फिर क्या चोर आएगा? नहीं। जब आप जाग जाएंगे तो जितने भी बेकार के थॉट्स हैं वो आएंगे ही नहीं। जागना जरूरी है, अवेक जो हो रहा है इस दुनिया में, जो तुम्हारे अंदर है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल पर, उसको लेकर जागरूक रहना, ध्यान में रहना, हमेशा मोमेंट टू मोमेंट, पल पल, फिर तुम देखोगे कि ये डर, भय, चिंता, ये सारी चीजें फिजूल हैं, कुछ नहीं है, ये तुम्हें ये रोक ही नहीं पाएंगे। तो शांति, तुम मुझे सुन रहे हो अभी, मैं कुछ कह रहा हूं अभी, शांति इसमें भी है, अगर तुम सिर्फ सुन रहे हो। शांति जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं,
अगर मैं अपनी बात करूं, शांति इस कहने में भी है मैं जो कह रहा हूं। शांति का मतलब है निर्विचार, शांति का मतलब है अपने आप को विचारों की परिधि से बाहर रखना। विचार अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, शरीर भी अपना काम कर रहा है, तुम तो ठहर जाओ, तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। तो जब तुम रुक जाओगे वहीं पर शांति है, जहां तुम रुक गए शांति वहीं है, पीस वहीं है। भागना, दौड़ना, एफर्ट लगाना, ये शांति नहीं है। तो बुद्ध और महावीर ये भी गए थे जंगलों में, लेकिन आना तो इन्हें भी लौट के वापस संसार में ही पड़ा, संसार में लौट कर आना पड़ा और संसार के लोगों को ज्ञान देना पड़ा। ज्ञान दिया इन्होंने, हमेशा ही जंगल में नहीं रहे, क्योंकि आपकी असली परीक्षा होगी जब आपको गुस्सा आएगा, जब आपको चिंता होगी, जब आपको डर होगा, भय होगा, जब आपके अंदर लालच जगेगा, एंजाइटी आपके अंदर आएगी, आपको कोई बोल रहा है कुछ, आपके अंदर गुस्सा आएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए आप कैसे लेट गो कर रहे हैं, कैसे मूव ऑन कर रहे हैं, कैसे इंसाइट ले रहे हैं इन चीजों को लेकर, इन सारी चीजों को आप कैसे पार करके जा रहे हैं। शांति इसमें है। अकेले आप बैठ के 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन रियल जिंदगी में ध्यान रखना, ध्यान करना मुश्किल है। रियल लाइफ में जैसे एक व्यक्ति था जो अकेले एकांतवास में चले गए जंगलों में और तपस्या कर रहे थे, 20-25 साल बाद वापस लौट के आए और लोगों ने उनको देखा तो कहा, देखो ये व्यक्ति, इसके चेहरे पे शांति चमक रही है, कितना शांत व्यक्ति है। व्यक्ति आता है, उसको भीड़ लग जाती है उसको देखने के लिए, तो जब उसको भीड़ लग जाती है देखने के लिए, उसके पैर पर कोई पैर रख देता है, उस व्यक्ति के ऊपर जब कोई पैर रख देता है तो वो व्यक्ति गुस्से में आ जाता है। वही व्यक्ति जो 20-25 साल से साधना कर रहा था जंगलों में अकेले, बहुत शांति, उसको गर्व था कि मैं बहुत शांत व्यक्ति हूँ, तो उसके पैर पर कोई पैर रख देता है, वो गुस्से में आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कह देता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर पे पैर रखने की, तू जानता है मैं कौन हूँ, कितना बड़ा संत हूँ। यही होता है जब आप भागते हैं, तो एकदम से उस व्यक्ति को फिर याद आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और वो व्यक्ति फिर उससे माफी मांग लेता है और कहता है कि जो मैं 20-25 साल जंगलों में नहीं सीख पाया एकांतवास में, वो मैंने यहाँ भीड़ में सीख लिया, वो तूने मुझे सिखा दिया। तो आपकी असली परीक्षा होती है जब आप चीजों से गुजरते हैं, दुख, डर, चिंता, भय, तंगी, लालच, जरूरत, भूख, प्यास, तमन्ना, इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, इन सब से गुजरते हुए जब आप अडिग रहते हैं, बस देखते हैं इनको, शांति उसमें है। मेरी मदद चाहिए, थोड़ी बहुत मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान मेडिटेशन ही हो गया, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप के बारे में, ट्रुथ सत्य क्या है, विचारों से परे कैसे जाएं, इन सारी चीजों के बारे में, सफरिंग को कैसे खत्म करें, फियर को कैसे खत्म करें। उसके बाद फिर आपको, ये तो थ्योरी हो गई, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल मेडिटेशन जो जिंदगी भर आपके साथ चलती रहेगी, पेमेंट सिर्फ आपको एक ही बार करना है, और ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन की वीडियो आपको जिंदगी में मिलती रहेगी मेरे मॉर्निंग रूटीन की, सुबह सुबह जो मैं बताता हूँ कैसे मेडिटेशन करनी है। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।